अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चिकन लेके आई हूँ जो कि टिक्का स्टीम है। आप घर में बड़ी आसानी से इसे बना सकती हो। ये इसे टिक्का स्टीम कहते हैं, इसलिए इसके लिए आपको लेग पीस चाहिए, थाई के पीस चाहिए, चेस्ट के चाहिए। मेरे घर में लेग पीस और ये थाई वगैरह ही पसंद की जाती है, इसीलिए मैं इसी में बना रही हूँ। और इसके आपने पीस लेने हैं और इसे सारे अच्छे तरीके से छुरी के साथ या कांटे के साथ आप टक लगा लें और आगे पीछे से अपने सारे के सारे इसे टक लगाने हैं और अच्छे तरीके से इसे साफ़ कर लें। इसके साथ ही आपको सॉल्ट चाहिए, हाफ चम्मच मैंने सॉल्ट लिया है। सॉल्ट ऐड करें और फिर सिरका ऐड करें इसके साथ ही, हाफ कप सिरका है। सिरका ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें ताकि सिरका और नमक इसे अच्छी तरह इसे लग जाए। और साथ ही आपने एक कप वाटर लेना है और इसके अंदर आप वाटर ऐड कर दें और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए आप रख दें। ये देख लें चिकन हमारा, ये देखें मैंने जब इसके अंदर भिगोया है तो ये चिकन बिल्कुल वाइट हो चुका है सारा अंदर से। अब मैं इसे वॉश करके अच्छे तरीके से लेके आती हूँ दोबारा से। ये चिकन मैंने धो के अच्छी तरीके से ये मैंने रख लिया है। अब चले जी अपने मसाले नोट कर लें। आपको चाहिए लहसुन का पाउडर, इसमें सारे खुशक मसाले डलेंगे। ये आपका जो टिक्का चिकन बनेगा इसमें सारे खुशक मसाले बनेंगे, ये बगैर कोलों से बन रहा है फ्राई होके। आप इसे स्टीम चिकन भी कह सकते हैं, टिक्का चिकन भी कह सकते हैं, कुछ भी कर कह लें आप। और इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला जैसे फुल आपका होता है घर का बना हुआ, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कि ये कैसे बनना है। फिर इसके अंदर अदरक पाउडर है, इसके अंदर टिक्का मसाला है, कोई भी मार्केट से किसी भी ब्रांड का, अच्छे ब्रांड का आप ले सकती हैं। साथ आपकी कसूरी मेथी है और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, सोया सॉस है और चिली सॉस है और फ्राई के लिए थोड़ा सा आटा है। और ये जो चिकन है इसे मैंने देख लें ये वाइट हो चुका है। अब इसके अंदर सारे मसाले मैं ऐड करने लगी हूँ वन बाय वन करके। इसके अंदर सिरका पहले ही था और नमक भी लगा हुआ है, इसलिए वो अपने हिसाब से आप डालिएगा। लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, गरम मसाला, फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा, ज़रूर अपने घर में ट्राई किया करें। यार अपने सारी फ्रेंड्स को भी बताएं मेरी रेसिपीज़ के बारे में और मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। और ये कसूरी मेथी भी साथ ही आपकी ऐड हो जाएगी। चलें जी मैं अब इसे मिक्सअप करती हूँ। ये सारा आपने ना हाथों से लगाना है मसाला, ताकि मसाला इस सारी चीज़ों के अंदर चला जाए अच्छे तरीके से। ये मसाला आपने इनके अंदर तक लेके जाना है। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है मसाले के साथ। चलें जी अब मैं आगे बताती हूँ। ये मसाला मेरा बिल्कुल रेडी लग चुका है। अब आपने इसे ऑयल में, आप फ्राई पैन में आप ऑयल लें, तकरीबन आप 2 से 3 कप ऑयल ले लें और उसे गर्म करना रख दें। ये मैंने इसे फ्राई करना है, फ्राई के बाद फिर मैंने इसे हल्की आंच पे दम पे देना है। चले मैं आपको बताती हूँ कि फ्राई कैसे करेंगे। ये देख लें ये लेग पीस है, ये आपका पीस है, इसके ऊपर जो भी मसाला आप ये देख लें कितना अच्छा लगा हुआ है। अब इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ये आटा लगाना है, जैसे कि आप फिश को आटा लगा के फ्राई करते हैं ना, आपने इसी तरह इसे आटा लगाना है दोनों साइडों पे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका भी मसाला लग चुका है। आटा लगाने के बाद इसके अंदर कोई दही नहीं, सारे खुशक मसाले हैं, दही से मसाले सारे गिर जाते हैं। चलो जी इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तेज़ आंच पर फ्राई होगा, ये तेज़ आंच पर फ्राई होना है। ये जब एक साइड से बिल्कुल पक जाएगा फिर आपने
दूसरी साइड पलटनी है आपने, एकदम से इसे हिलजुल नहीं करना वरना सारा मसाला जो है आपका सारा ख़त्म हो जाएगा, ऑयल में आ जाएगा, एक साइड से पूरा पक जाएगा, फिर आपने इसे हिला। देखें व्यूअर कि एक तरफ से सारा कलर आ चुका है, बहुत अच्छा कलर आया है इसका, बिल्कुल बाजार जैसा आपका बनेगा, आप घर में बगैर कोलों से बना सकते हैं। ये सारे मसाले इसके ऊपर ही लगे रहेंगे, ये नहीं उतरेंगे आपके मसाले इंशाल्लाह। ये देखें ये तकरीबन हमारे अब रेडी हो गए हैं, यहाँ से देखें ये मेरा कितना अच्छा कलर आया है, ये आप देख रहे हैं ये मेरे रेडी हैं। अब मैं आपको इसका स्टीम का तरीका बताने लगी, क्योंकि ये अंदर से मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है, ये अंदर से अभी कच्चे हैं, ये अब वाटर के साथ गलेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे गलने हैं। लें जी, ये जो बॉल के नीचे जो मसाला बच गया था उसके अंदर मैंने वाटर डाल दिया थोड़ा सा, आपने इसी वाटर में अब अपने इस चिकन को पकाना है, और वो जो ऑयल था उसे मैंने भुना है, तो वो ये ऑयल है, ये आप किसी भी वेजिटेबल में डालेंगे तो आपका ये यूज़ हो जाएगा, आप चावलों में डालें बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा, और फिर वो जो मसाला था उसके अंदर से निकला वो भी हमारा यूज़ होगा, हम कोई चीज़ भी इसमें से ज़ाया नहीं करेंगे। एक कढ़ाई लेनी है आपने, कढ़ाई के अंदर पहले आपने इसके अंदर वाटर डालना है, ठीक है, वाटर के साथ ही आपने इसके अंदर ये जो मसाला था आपने वो भी ऐड कर दिया, मसाले के साथ आप चम्मच से अच्छी तरह से हिला लें, ठीक है। अब ये हल्की आंच पे तकरीबन इन्होंने हाफ आवर यानी कि आधा घंटा इन्होंने पकना है, ये अंदर तक स्टीम हो चुके होंगे, घले हुए होंगे और बहुत जूसी होंगे। आपने इन्हें उलटना पलटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, ये खुद ही स्टीम में अंदर तक गल जाएंगे। चले जी, ये अब भी हो गया, इसके ऊपर इसका हम ढक्कन देते हैं और इसे पकने के लिए रख दें। लेकिन जी, अब 15 मिनट बाद हम चेक करते हैं कि हमारा इसका क्या रिज़ल्ट आया है। ज़बरदस्त ये रेडी हो रहे हैं, पानी हल्का हल्का सूख रहा है, और देख लें सब चीज़ों के ऊपर ये मसाला है। और चलें जी, अब जब एंड होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन जी, स्टीम हमारा बिल्कुल रेडी है, और जो इसके नीचे मसाला बच चुका है वो भी मैं इसके ऊपर ही डालने लगी हूँ। ये देखें, इसके ऊपर भी मसाला के साथ ये आपका टिक्का स्टीम जो के ज़बरदस्त किस्म का रेडी है। अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपीज़ को, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें सब फ्रेंड्स में। और इसका और ये बहुत सॉफ्ट है, मैं आपको थोड़ा सा ये करके दिखाती लगी। और ये जो प्याज है इनकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपको दूँगी, इसके अंदर आपने नमक डालना है और थोड़ा सा चिल्ली सॉस डालनी है, थोड़ी सी केचप डालनी है, और आपने तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देना है, फिर ये नरम सारे ये आपके प्याज बाजार जैसे बिल्कुल रेडी होंगे। साथ अपनी चटनी लेनी है, आप इसके साथ सर्विंग करें। आप इसकी ये चेक करें, ये देखें ये अंदर तक गल चुका है, बहुत सॉफ्ट बना हुआ है। चलें जी, अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।